How are you? I hope you will be fine. Alhamdulillah. One class take out science book. Hariya, one class page number 36, unit number 5, heat and light. One class, आपको मैं बताती चलूँ कि page number 33, 34 और 35 ये हमने lecture number 4 में reading की थी और आज हमने page number 36 की lecture number 5 में हमने reading करनी है and page number 37 और 38 पर book activities करनी है. अब आज हमने, कल हमने heat and light के बारे में पढ़ा था, आज हम sunlight के बारे में पढ़ते हैं. One class, अब finger quote करें. We are starting now. Sunlight is made up of 7 color. कि sunlight कितने color बनाती है? Made up of यानी कि 7 color. Sunlight कितने colors होते हैं? 7 color होते हैं. जैसे कि आपको सामने screen पर नजर आ रहे हैं. We can see the 7 colors of light in a rainbow. Class, इसमें बताया जा रहा है कि जब sky पर rainbow बनती है, तो उसके कितने colors बनते हैं? 7 color. ठीक है, नंबर वन पे बी आई ओ एल ई टी वायलेट, आई एन डी एच जी ओ इंडिगो, बी एल यू ई ब्लू, जी आर डबल ई एन ग्रीन, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो, ओ आर ए एन जी ऑरेंज एंड रेड. तो ये कितने कलर होंगे? 7 कलर. सबसे पहला कलर कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये किसके हैं? सनलाइट यानी कि रेनबो के ये कलर है. तो सनलाइट इज मेड अप 7 कलर. सनलाइट जो जब स्काई पर रेनबो बनते हैं तो उसके कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर. आगे हमारा नया टॉपिक है, देखिए जैसे आपको बाउल में फिश नज़र आ रही है कि इसमें बताया जा रहा है कि लाइट किस में से पास हो सकती है, यानी कि लाइट लाइट के पास से मुराद यह है कि किसी चीज़ के, यानी कि इट्समीन के किसी चीज़ के हमें आर पार दिखाई देना. तो ग्लास जैसे देखें, अब फिश जो बाउल में है वो हमें ईजीली हमें दिखाई दे रही है क्योंकि ये ग्लास है. ठीक है, ग्लास में से इजीली लाइट पास होती है, यानी कि लाइट पास होने का मतलब यह है कि किसी चीज़ का नज़र आना. लाइट कैन पास थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू एयर वाटर एंड ग्लास. अब इसमें बताया जा रहा है इस सेंटेंस में कि लाइट किस से पास होती है. एक तो एयर में से गुजरती है लाइट एंड ग्लास. अब ये जो बाउल है ये क्या है? ग्लास है, यानी ग्लास शीशे का है. एंड वाटर, और वाटर में से पास होती है. अब देखिए इसमें बाउल दोनों चीज़ें आ गई हैं, वाटर भी आ गया और ग्लास भी आ गया. ठीक है, तो हमें इजीली फिश नज़र आ रही है, इट्स मीन कि इसमें से लाइट पास हो सकती है. नेक्स्ट है, आपको देखिए सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वुड पीस. ठीक है, अब वुड पीस में, वुड पीस ले लें, स्टोन ले लें, ब्रिक ले लें, कोई भी सॉलिड चीज़ ले लें, या टेबल ले लें, ठीक है, बैग ले लें, बुक ले लें, इनको अब हम फॉर एग्जाम्पल किसी टॉर्च के सामने, टॉर्च रखें या बल्ब के सामने रखें, या कार्डबोर्ड भी ले लें, ठीक है, डस्टर ले लें, क्या उनके सामने हमें, उसके जब बल्ब के सामने अगर आप इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन रखेंगे तो क्या हमें उस बल्ब की लाइट हमें बुक के अपोजिट साइड पे या कार्डबोर्ड के अपोजिट साइड पे या वुड के अपोजिट साइड पे क्या हमें हम तक रोशनी आएगी? नो. जो वुड पीस होगा, स्टोन होगा, बुक होगी, डस्टर होगा, जो भी सॉलिड चीज़ है, ठीक है, वो उसकी लाइट को रोक लेगा, यानी कि इट्स मीन कि इन चीज़ों में से लाइट पास नहीं होती. तो हम इधर भी पढ़ लेते हैं कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड एंड रबर. सी आर डी कार्ड, बी ओ ए आर डी बोर्ड एंड रबर. अगर हम रबर को भी रखेंगे लाइट के सामने, ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, तो आपको लाइट पास होती नज़र नहीं आएगी, लाइट वहाँ तक ही महदूद हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ लाइट को रोक लेगी. ऐसे ना स्टूडेंट, पेज नंबर 36 की रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई. अब हमने पेज नंबर 37 पर एक्टिविटीज़ कर ली. जी, इसी तरीके से बुक एक्टिविटीज़ करने के लिए हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे. 11 जून सी ए एंड थर्सडे. ठीक है, एक्टिविटी नंबर वन है टेक अंडर यस और नो. ठीक है, टेक अंडर यस और नो. चलिए, वन क्लास पेंसिल अपने हाथ में लें. ऑप्शन वन, इसमें बताया जा रहा है, आपको बता दीजिए सेंटेंसेस हमें दे दिए गए हैं और उनके सामने यस और नो का ब्लॉक बना दिया गया. ठीक है, अब हमने सेंटेंस को यहाँ से रीड करना है और जो सेंटेंस में यस आता है तो हमने यस के ब्लॉक में यस लिखना है, अगर नो आता है तो नो नो के ब्लॉक में लिखना है. लेकिन आप अपनी पेंसिल रेजर हाथ में रखें और मेरे साथ साथ ये एक्टिविटीज़ करते जाएं. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन सी इन द डार्क. कि क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? नो, एस एल एस यस या नो? नो, अंधेरे में हम नहीं देख सकते. तो हमने क्या करना है? नो के ब्लॉक में लिख देना है नो. ठीक है, अगला है नेक्स्ट, द मून गिव्स लाइट टू द अर्थ. जी, इस सेंटेंस में आप और से केयरफुली सुने. द मून गिव्स लाइट टू द अर्थ. क्या मून क्या होता है? चांद. क्या चांद रोशनी जमीन पर देता है? नो.
क्योंकि मून रोशनी जमीन पर लाइट नहीं देता, क्योंकि मून की तो लाइट होती ही नहीं है, मून खुद रोशनी सूरज सन से लेता है, किससे लेता है, सन से लेता है, ठीक है। इट्स मीन कि सन प्रोवाइड करता है जमीन को भी लाइट प्रोवाइड करता है और मून को भी करता है, तो इसलिए हम यस नहीं लिखेंगे, नो के ब्लॉक में हम नो लिख देंगे, क्योंकि मून जो है अर्थ को लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, लाइट हेल्प अस टू सी थिंग, रोशनी की मदद से क्या हम देख सकते हैं, यस या नो, जी यस, बिल्कुल हम लाइट की रोशनी से देखते हैं। नेक्स्ट आ जाए, अ कैंडल गिव्स आउट लाइट, कि क्या कैंडल हमें रोशनी देती है, क्लास यस या नो, यस, क्योंकि कैंडल हम लगाते हैं, कैंडल हम क्या प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाए, सन लाइट इज मेड अप ऑफ फाइव कलर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सन लाइट क्या सूरज की रोशनी जो है फाइव कलर बनाती है, यस या नो, नो, पेज नंबर 36 में आपको मैं बता चुकी हूँ, सन लाइट तो मेड कितने कलर बनाती है, सेवन कलर बनाती है, तो यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग सेंटेंस दिया है, तो हम किधर लिख क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फायर गिव्स अस हीट, कि आग से हमें हरारत महसूस होती है, जी बिल्कुल यस, हम क्या लिखेंगे, यस के ब्लॉक में यस लिख देंगे। नेक्स्ट है, वी नीड हीट टू कीप अस वार्म, कि हमें गर्म रहने के लिए हरारत की जरूरत होती है, जी बिल्कुल, हम क्या लिखेंगे, यस के ब्लॉक में यस लिख देंगे। एक्टिविटी नंबर वन हमारी मुकम्मल हुई, एक्टिविटी नंबर टू पे आ जाए, एक्टिविटी नंबर टू है, ड्रा रेनबो एंड राइट द नेम्स ऑफ द सेवन कलर, के इन्होंने कहा कि जब आपको यहाँ पे वाइट स्पेस नज़र आ रही है बुक पर, यहाँ पे आपने बनानी है रेनबो, क्या बनानी है, रेनबो खुद बनानी है, यानी कि कलर से ड्रा करनी है। एंड इन्होंने ये भी कहा है इसमें एक्टिविटी में कहा गया है कि सेवन कलर आपको दे दिए कि मिसिंग लेटर की सूरत में इनको आपने कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे नंबर 36 से भी इनको फॉलो कर सकते हैं, वी आई ओ एल ई टी वायलेट, इंडिगो, आई एन डी आई जी ओ इंडिगो, डी एल यू ई ब्लू, जी आर डबल ई एन ग्रीन, वाई डबल एल ओ येलो, ओ आर ए एन ए एन जी ई ऑरेंज, आर ई टी रेड, ये हमारे सेवन कलर कंप्लीट हुए। आपने यहाँ पर रेनबो खुद ड्रा करनी है, आप पेज नंबर 38 पर आ जाए। ऐसे स्टूडेंट पेज नंबर 38 पर आ गए, 11 जून सी एंड थर्सडे। एक्टिविटी नंबर 3 है कि राइट द नेम ऑफ थ्री थिंग्स थ्रू विच, दो में ब्लॉक दे दिए गए, एक में लिख दिया गया लाइट कैन पास और दूसरे में लिख दिया गया लाइट कैन नॉट पास, कि लाइट किस में से पास हो सकती है, इस में से लाइट, इन्होंने कहा कि लाइट कैन पास उन चीज़ों के नाम लिखे जिनमें से लाइट पास हो सकती है, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि उन थिंग्स के नाम लिखे जिनमें लाइट पास नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्लास, जी एल ए डबल एस ग्लास, ग्लास में से लाइट पास होती है, एंड एयर, आप पेज 36 पर पढ़ चुके हैं, एंड वाटर, ये एक्टिविटीज़ आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइट कैन नॉट पास, कि जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, नंबर वन पे है वुड, रबर एंड कार्डबोर्ड, इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है, ये आप मेरे साथ एक्टिविटी कर ले, बहुत इजी है। एक्टिविटी नंबर 4 पर आ जाए, नेम टू थिंग्स विच गिव अस हीट, कि उन चीज़ों के नाम लिखें दो चीज़ों के जो हमें हीट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में हम लिख लेते हैं फायर, एफ आई आर ई फायर, फायर से हमें हीट मिलती है, एंड सन, एस यू एन सन, और आपको बताते चलो कि सन का एस कैपिटल होगा क्योंकि सन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से मुराद यानी कि सन एक ही है, जो चीज़ एक होती है उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 5, नेम टू थिंग्स विच गिव अस लाइट, कि उन दो चीज़ों थिंग्स के नाम लिखना है जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो नंबर ऑप्शन ए में हम लिख देंगे बल्ब, ऑप्शन 2 में लिख देंगे कैंडल। हमारी क्लास पेज नंबर 38 की हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई, तो इसके साथ सर आज का हमारा हमारे क्लास पेज नंबर 38 की एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हुआ। आई होप यू कि आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे। वन क्लास आपने पेज नंबर 37 और 38 को बहुत ही अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में राइट करना है, और आपने ये मुझे पिक्चर व्हाट्सअप भेज सकनी है, भेजनी है, ताकि मैं देख सकूँ कि आपने काम कैसा किया, ताकि मैं आपको एक्सीलेंट रिमार्क्स में आपको एक्सीलेंट दे सकूँ। इसके साथ मुझे लेक्चर नंबर 5 में इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।